ऋग्वेद प्रथम खंड ऋग्वेद भाष्यम प्रथम मंडलम प्रथमाष्टकः प्रथम अध्यायः प्रथम अनुवादकः अथामिदस्य नवर्चस्य सुक्तस्य मधुछन्दारिषिः अग्निर्देवताः गायत्री छन्दः षड्जः स्वरः। यहाँ प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द करके ईश्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का उपदेश किया है। इस मंत्र में श्लेष्मा अलंकार से दो अर्थों का ग्रहण होता है। पिता के समान कृपा कारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प की आदि में वेद का उपदेश करता है। जैसे पिता वा अध्यापक अपने शिष्य वा पुत्र को शिक्षा देता है कि तू ऐसा कर वा ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक वा शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूंगा, पिता और आचार्य की सेवा करूंगा, झूठ न कहूंगा। इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य वा लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही अग्नि मिले इत्यादि वेद मंत्रों को भी जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किया है। इसी अग्निमीले वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से इस मंत्र में ईले यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। अग्निमीले परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि शब्द से परमेश्वर भौतिक ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं, जो पहले समय में आर्य लोगों ने अश्वविद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्प विद्या उत्पन्न की थी। वह अग्नि विद्या की ही उन्नत थी। आप ही आप प्रकाशमान, सबका प्रकाशमान, सबका प्रकाश और अनंत ज्ञानमान आदि हेतुओं से अग्नि शब्द से परमेश्वर तथा रूप दाह प्रकाश वेग छेदन आदि गुण और शिल्प विद्या के मुख्य साधक आदि हेतुओं से प्रथम मंत्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया है। उक्त अग्नि किनके स्तुति करने वा खोजने योग्य है, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाते हैं तथा अपने उपदेश से सबका उपकार करने वाले हैं वा हुए हैं, वे पूर्व शब्द से और जो कि अब पढ़ने वाले विद्या ग्रहण के लिए अभ्यास करते हैं, वे नूतन शब्द से ग्रहण किए जाते हैं और वे सब पूर्ण विद्वान शुभ गुण सहित होने पर ऋषि कहते हैं, क्योंकि जो मंत्रों के अर्थों को जाने हुए धर्म और विद्या के प्रचार अपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करने वाले निष्कपट पुरुषार्थी धर्म के सिद्ध होने के लिए ईश्वर की उपासना करने वाले और कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि के गुणों को जानकर अपने कामों को सिद्ध करने वाले होते हैं तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्व जानने के लिए युक्ति प्रमाण से सिद्ध तर्क और कारण वा कार्य जगत में रहने वाले प्राण हैं। इन सबके ईश्वर और भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के साथ खोज करना योग्य है। और जो सर्वज्ञ परमेश्वर ने पूर्व और वर्तमान अर्थात त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस मंत्र में परमार्थ और व्यवहार ये दो विद्याएं दिखलाई हैं, इससे इसमें भूत वा भविष्य काल की बातों को कहने में कोई भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वेद सर्वज्ञ परमेश्वर का वचन है। वह परमेश्वर उत्तम गुणों को तथा भौतिक अग्नि व्यवहार कार्यों में संयुक्त किया हुआ उत्तम उत्तम भोग के पदार्थों का देने वाला होता है। पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ से दूसरा नवीन और नवीन की अपेक्षा पहला पुराना होता है। देखो, यही अर्थ इस मंत्र का निरुक्तकार ने भी किया है कि प्राकृत जन अर्थात अज्ञानी लोगों ने जो प्रसिद्ध परमेश्वर और सब विद्याओं का हेतु जिसका नाम विद्युत है, वही भौतिक अग्नि यहाँ अग्नि शब्द से लिया है। अब परमेश्वर की उपासना और भौतिक अग्नि के उपकार से क्या क्या फल प्राप्त होता है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष्मा अलंकार से दो अर्थों का ग्रहण है। ईश्वर की आज्ञा में रहने तथा शिल्प विद्या संबंधी कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को
अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य जिस धन से कीर्ति की वृद्धि और जिस धन को पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना सुखों से युक्त होते हैं, सबको उचित है कि उस धन को अवश्य प्राप्त करें। उक्त भौतिक अग्नि परमेश्वर किस प्रकार के हैं यह भेद अगले मंत्र में जनाया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है जिस कारण व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरंतर रक्षा करता है, इसी से वह अच्छे अच्छे गुणों के देने का हेतु होता है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्य गुण युक्त अग्नि भी रचा है कि जो उत्तम शिल्प विद्या का उत्पन्न करने वाला है, उन गुणों को केवल धार्मिक उद्योगी और विद्वान मनुष्य ही प्राप्त होने के योग्य होता है। फिर कभी परमेश्वर और भौतिक अग्नि किस प्रकार के हैं सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है सबका आधार सर्वज्ञ सबका रचने वाला विनाश रहित अनंत शक्तिमान और सबका प्रकाशक आदि गुण हेतुओं के पाए जाने से अग्नि शब्द के द्वारा परमेश्वर और आकर्षणादि गुणों से मूर्तिमान पदार्थों का धारणे करने हारादि गुणों से होने से भौतिक अग्नि भी ग्रहण होता है। सिवाय इसके मनुष्यों को यह भी जानना उचित है कि विद्वान के समागम और सांसारिक पदार्थों को उनके गुण सहित विचारने से परम दयालु परमेश्वर अनंत सुखदाता और भौतिक अग्नि शिल्प विद्या का सिद्ध करने वाला होता है। यह पहला वर्ग समाप्त हुआ। अब अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो न्याय दया कल्याण और सबका मित्र भाव करने वाला परमेश्वर है उसी की उपासना करके जीव इस लोक और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है, क्योंकि इस प्रकार का सुख देने का स्वभाव और सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है दूसरे का नहीं। जैसे शरीरधारी अपने शरीर को धारण करता है वैसे ही परमेश्वर सब संसार को धारण करता है और इसी से इस संसार की यथावत रक्षा और स्थिति होती है। उक्त परमेश्वर कैसे उपासना करे प्राप्त होने योग्य है इसका विधान अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे सबको देखने और सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, इससे हम लोगों को अधर्म करने की कभी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ सबका साक्षी परमेश्वर है वह हमारे सब कामों को देखता है इस निश्चय से। फिर भी वह परमेश्वर किस प्रकार का है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा अपने अंतर्यामी रूप से सब जीवों को सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान और सब जगत की रक्षा करता हुआ अपनी सत्ता और परम आनंद में प्रवृत्त हो रहा है, वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी आनंदित वृद्धियुक्त होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम आनंद रूप विशेष फलों को प्राप्त होते हैं। वह परमेश्वर किसके समान किनकी रक्षा करता है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि हे भगवन, जैसे पिता अपने पुत्र को अच्छी प्रकार पालन करके और उत्तम उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बना देता है, वैसे ही आप हम लोगों को शुभ गुण और शुभ कर्मों में युक्त सदैव कीजिए। यह प्रथम सूक्त में पहले 5 मंत्रों के द्वारा श्लेषालंकार से व्यवहार और परमार्थ की विद्याओं का प्रकाश किया और 4 मंत्रों से ईश्वर की उपासना और स्वभाव वर्णन किया। यह पहला सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब द्वितीय सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में उन पदार्थों का वर्णन किया है कि जिन्होंने सब पदार्थ शोभित कर रखे हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा
तथा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है। उक्त परमेश्वर और भौतिक वायु किस प्रकार स्तुति करने योग्य है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ यहाँ श्लेषालंकार है। इस मंत्र से जो वेदादि शास्त्रों में कहे हुए स्तुतियों के निमित्त स्तोत्र हैं, उनसे व्यवहार और परमार्थ विद्या की सिद्धि के लिए परमेश्वर और भौतिक वायु के गुणों का प्रकाश किया गया है। पूर्वोक्त स्तोत्रों का जो श्रवण और उच्चारण का निमित्त है, उसका प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ यहाँ भी श्लेषालंकार है। दूसरे मंत्र में जिस वेद वाणी से परमेश्वर और भौतिक वायु के गुण प्रकाश किए हैं, उसका फल और प्राप्ति इस मंत्र में प्रकाशित की है। अर्थात प्रथम अर्थ में वेद विद्या और दूसरे से जीवों की वाणी का फल और उसकी प्राप्ति का निमित्त प्रकाश किया है। अब जो स्तोत्रों से प्रकाशित पदार्थ हैं, उनकी वृद्धि और रक्षा के निमित्त का अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में परमेश्वर ने प्राप्त होने योग्य और प्राप्त कराने वाले इन दो पदार्थों का प्रकाश किया है। अब पूर्वोक्त सूर्य और पवन जिन्हें ईश्वर ने धारण किया है, वे किस किस कर्म की सिद्धि के निमित्त रचे गए हैं, इस विषय का अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में परमेश्वर की सत्ता के अवलंब से उक्त इंद्र और वायु अपने अपने कार्य करने को समर्थ होते हैं, यह वर्णन किया है। यह तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। पूर्वोक्त इंद्र और वायु के शरीर के भीतर और बाहरले कार्य का अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ ब्रह्मांडस्थ सूर्य और वायु सब संसारी पदार्थों को बाहर से तथा जीव और प्राण शरीर के भीतर के अंग आदि सबको प्रकाश देने और पुष्ट करने वाले हैं, परंतु ईश्वर के आधार की अपेक्षा सब स्थानों में रहती है। ईश्वर पूर्वोक्त सूर्य और वायु को दूसरे नाम से अगले मंत्र में स्पष्ट करता है। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समुद्र आदि जलस्थलों से सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सबकी वृद्धि और रक्षा होती है, वैसे ही प्राण और अपान आदि से शरीर की रक्षा और वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को प्राण अपान आदि वायु के निमित्त से व्यवहार विद्या की सिद्धि करके सबके साथ उपकार करना उचित है। किस हेतु से ये दोनों सामर्थ्य वाले हैं, यह विद्या अगले मंत्र में कही है। भावार्थ परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्म ज्ञान के निमित्त जल वर्षाने वाले सब मूर्तिमान व अमूर्तिमान जगत को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं। वे हमारे लिए किन किन पदार्थों के धारण करने वाले हैं, इस बात का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो ब्रह्मांड में रहने वाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं, उनसे क्रिया और विद्याओं की पुष्टि तथा धारणा होती है। यह दूसरा सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब तृतीय सूक्त का प्रारंभ करते हैं। इसके आदि के मंत्र में अग्नि और जल अश्व नाम से लिया है। भावार्थ इस मंत्र में ईश्वर ने शिल्प विद्या को सिद्ध करने का उपदेश किया है, जिससे मनुष्य कलायुक्त सवारियों को बनाकर संसार में अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सब सुख पावे। फिर वे अश्व किस प्रकार के हैं, सो उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ यहाँ भी अग्नि और जल के गुणों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग है। इससे सब कारीगरों को चाहिए कि तीव्र वेग देने वाली कारीगरी और अपने पुरुषार्थ से शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए उक्त अश्वियों की अच्छी प्रकार से योजना करें। जो शिल्प विद्या की सिद्धि करने की इच्छा करते हैं, उन पुरुषों को चाहिए कि विद्या और हस्तक्रिया से उक्त अश्वियों को प्रसिद्ध करके उनसे उपयोग लेवें। भावार्थ परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको सब सुखों की सिद्धि से दुख के विनाश के लिए शिल्प विद्या में अग्नि और जल का यथावत उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर ने अगले मंत्र में इंद्र शब्द से अपना और सूर्य का
उपदेश किया है। भावार्थ, यहां श्लेषालंकार समझना। जो जो इस मंत्र में परमेश्वर और सूर्य के गुण और कर्म प्रकाशित किए गए हैं, इनसे परमार्थ और व्यवहार की सिद्धि के लिए अच्छी प्रकार उपयोग लेना सब मनुष्यों के योग्य है। ईश्वर ने अगले मंत्र में अपना प्रकाश किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि जो सब कार्य जगत की उत्पत्ति करने में आदि कारण परमेश्वर है, उसको शुद्ध बुद्धि विज्ञान से साक्षात करना चाहिए। ईश्वर ने अगले मंत्र में भौतिक वायु का उपदेश किया है। भावार्थ, जो शरीरस्थ प्राण है वह सब क्रिया का निमित्त होकर खाना पीना पकाना ग्रहण करना और त्यागना आदि क्रियाओं से कर्म का करना तथा शरीर में रुधिर आदि धातुओं के विभागों को जगह जगह में पहुंचाने वाला है, क्योंकि वही शरीर आदि की पुष्टि और नाश का हेतु है। यह पांचवां सर्ग समाप्त हुआ। ईश्वर ने अगले मंत्रों में विद्वानों के लक्षण और आचरणों का प्रकाश किया है। भावार्थ, ईश्वर विद्वानों को आज्ञा देता है कि तुम लोग एक जगह पाठशाला में अथवा इधर उधर देश देशांतरों में भ्रमते हुए अज्ञानी पुरुषों को विद्या रूपी ज्ञान देके विद्वान किया करो, जिससे सब मनुष्य विद्या धर्म और श्रेष्ठ शिक्षा युक्त होके अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त होकर सदा सुखी रहें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर ने जो आज्ञा दी है इसको सब विद्वान निश्चय करके जान लेवें कि विद्या आदि शुभ गुणों के प्रकाश करने में किसी को कभी थोड़ा भी विलंब व आलस्य करना योग्य नहीं है। जैसे दिन की निकासी में सूर्य सब मूर्तिमान पदार्थों का प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान लोगों को भी विद्या के विषयों का प्रकाश सदा करना चाहिए। विद्वान लोग कैसे स्वभाव वाले हों, कैसे कर्मों को सेवें, इस विषय को ईश्वर ने अगले मंत्र में दिखाया है। भावार्थ, ईश्वर आज्ञा देता है कि हे विद्वान लोगों, तुम दूसरे के विनाश और द्रोह से रहित तथा अच्छी विद्या से क्रिया वाले होकर सब मनुष्यों को सदा विद्या से सुख देते रहो। विद्वानों को किस प्रकार की वाणी की इच्छा करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में ईश्वर ने कहा है। भावार्थ, सब मनुष्यों को चाहिए कि वे ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ से सत्य विद्या और सत्य वचन युक्त कामों में कुशल और सबके उपकार करने वाली वाणी को प्राप्त रहें। यह ईश्वर का उपदेश है। ईश्वर ने वह वाणी किस प्रकार की है, इस बात का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ, जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्या युक्त और छल आदि दोष रहित विद्वान मनुष्यों की सत्य उपदेश कराने वाली यथार्थ वाणी है, वही सब मनुष्यों के सत्य ज्ञान होने के लिए योग्य होती है, अविद्वानों की नहीं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचकोपमेय लुप्तोपमा अलंकार दिखलाया है। जैसे वायु से तरंग युक्त और सूर्य से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न और तरंगों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार और रत्नादि की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है, वैसे ही जो आकाश और वेद का अनेक विद्यादि गुण वाला शब्द रूपी महासागर उसको प्रकाश कराने वाली वेदवाणी और विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यों की यथार्थ बुद्धि का बढ़ाने वाला होता है। और जो दूसरे सुक्त की विद्या का प्रकाश करके क्रियाओं का हेतु अश्व शब्द का अर्थ और उसके सिद्ध करने वाले विद्वान का लक्षण तथा विद्वान होने का हेतु सरस्वती शब्द से सब विद्या प्राप्ति का निमित्त वाणी के प्रकाश करने से जान लेना चाहिए कि दूसरे सुक्त के अर्थ के साथ तीसरे सुक्त के अर्थ की संगति है। यह प्रथम अनुवाद तीसरा सूक्त और छठा सर्ग समाप्त हुआ। अब चौथे सूक्त का आरंभ करते हैं। ईश्वर ने इस सूक्त के पहले मंत्र में उक्त विद्या के पूर्ण करने वाले साधन का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य गाय के दूध को प्राप्त होके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही विद्वान धार्मिक पुरुष भी परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। अगले मंत्र में ईश्वर ने इंद्र शब्द से सूर्य के गुणों का वर्णन किया है। भावार्थ, जिस प्रकार सब जीव सूर्य के प्रकाश में अपने अपने
कर्म करने को प्रवृत्त होते हैं उस प्रकार रात्रि में सुख से नहीं हो सकते। जिसने सूर्य को बनाया है उस परमेश्वर ने अपने जानने का उपाय अगले मंत्र में जनाया है। भावार्थ, जब मनुष्य इन धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम से शिक्षा और विद्या को प्राप्त होते हैं तब पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार के सुखी होके फिर वे अंतर्यामी ईश्वर के उपदेश को छोड़कर कभी इधर उधर नहीं भ्रमते। मनुष्य विद्वान के समीप जाकर क्या करें और वे इनके साथ कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेश करते रहें। वेद पढ़े हुए और परमेश्वर की उपासना करने वाले विद्वानों को प्राप्त होकर अच्छी प्रकार उनके साथ प्रश्नोत्तर की रीति से अपनी सब शंका निवृत्त करें। किंतु विद्याहीन मूर्ख मनुष्य का संग वा उनके दिए हुए उत्तरों में विश्वास कभी न करें। ईश्वर ने फिर इसी विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि आप्त धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ के ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे सर्वत्र विद्या की वृद्धि, अविद्या की हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार, दुष्टों को दंड, ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों की वृद्धि और अशुभ कर्मों का विनाश नित्य होता रहे। यह सातवां वर्ग समाप्त हुआ। अब मनुष्यों को कैसा स्वभाव धारण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जब सब मनुष्य विरोध को छोड़कर सबके उपकार करने में प्रयत्न करते हैं तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, जिससे सब मनुष्यों को ईश्वर की कृपा से निरंतर उत्तम आनंद प्राप्त होते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करने योग्य क्यों है, यह विषय अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। भावार्थ, ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य पर कृपा करता है, आलस करने वाले पर नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य ठीक ठीक पुरुषार्थ नहीं करता तब तक ईश्वर की कृपा और अपने किए हुए कर्मों से प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा भी करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्यों को पुरुषार्थी होकर ही ईश्वर की कृपा का भागी होना चाहिए। फिर भी परमेश्वर ने सूर्य लोक के स्वभाव का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करता है उसका ही विजय होता है और का नहीं, तथा परमेश्वर भी धर्म पूर्वक युद्ध करने वाले मनुष्यों का ही सहाय करने वाला होता है औरों का नहीं। फिर इंद्र शब्द से अगले मंत्र में ईश्वर का प्रकाश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य दुष्टों को युद्ध से निर्बल करता तथा जितेंद्रिय वा विद्वान होकर जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता है वही उत्तम धन वा युद्ध में विजय को अर्थात सब शत्रुओं को जीतने वाला होता है। फिर भी वह परमेश्वर कैसा है और क्यों स्तुति करने योग्य है, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, किसी मनुष्य को केवल परमेश्वर की स्तुति मात्र ही करने से संतोष न करना चाहिए, किंतु उसकी आज्ञा में रहकर और ऐसा समझकर कि परमेश्वर मुझको सर्वत्र देखता है, इसलिए अधर्म से निवृत्त होकर और परमेश्वर के सहाय की इच्छा करके मनुष्य को सदा उद्योग ही में वर्तमान रहना चाहिए। उस तीसरे सूक्त की कही हुई विद्या से धर्मात्मा पुरुषों को परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध करना तथा आत्मा और शरीर के स्थिर भाव, आरोग्य की प्राप्ति तथा दुष्टों के विजय और पुरुषार्थ से चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त होना इत्यादि अर्थ द्वारा इस चौथे सूक्त के अर्थ की संगति समझनी चाहिए। यह चौथा सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ। पांचवें सूक्त के प्रथम मंत्र में इंद्र से परमेश्वर और स्पर्श गुण वाले वायु का प्रकाश किया है। भावार्थ, जब तक मनुष्य हठ, छल और अभिमान को छोड़कर सत्य प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके परोपकार करने के लिए तन, मन और धन से यत्न नहीं करते तब तक उनके सुखों और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। फिर भी अगले मंत्र में उन्हीं दोनों के गुणों का प्रकाश किया है।
भावार्थ इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। पीछे के मंत्र से इस मंत्र में सखायह तू अभिप्रगायत इन तीन शब्दों को अर्थ के लिए लेना चाहिए। इस मंत्र में यथा योग्य व्यवस्था करके उनके किए हुए कर्मों का फल देने से ईश्वर तथा इन कर्म फल भोग कराने के कारण वा विद्या और सब क्रियाओं के साधक होने से भौतिक अर्थात संसारी वायु का ग्रहण किया है। वे तुम हम और सब प्राणियों के लिए क्या करते हैं सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ इसमें भी श्लेषालंकार है। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य का सहायकारी होता है आलसी का नहीं, तथा स्पर्शमान वायु भी पुरुषार्थी ही से कार्य सिद्धि का निमित्त होता है, क्योंकि किसी प्राणी को पुरुषार्थ के बिना धन वा बुद्धि का और इनके बिना उत्तम सुख का लाभ कभी नहीं हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को उद्योगी अर्थात पुरुषार्थी आशा वाले अवश्य होना चाहिए। ईश्वर ने अपने आप सूर्य लोक का गुण सहित चौथे मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ इसमें भी श्लेषालंकार है। जब तक मनुष्य लोग परमेश्वर को अपना इष्ट देव समझने वाले और बलवान अर्थात पुरुषार्थी नहीं होते, तब तक उनको दुष्ट शत्रुओं की निर्बलता करने का सामर्थ्य भी नहीं होता। ये संसारी पदार्थ किस लिए उत्पन्न किए गए और कैसे ये किससे पवित्र किए जाते हैं इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जब ईश्वर ने सब जीवों पर कृपा करके कर्मों के अनुसार यथा योग्य फल देने के लिए सब कार्य रूप जगत को रचा और पवित्र किया तथा पवित्र करने वाले सूर्य और पवन को रचा है, उसी हेतु से सब जड़ पदार्थ वा जीव पवित्र होते हैं। परंतु जो मनुष्य पवित्र गुण कर्मों के ग्रहण से पुरुषार्थी होकर संसारी पदार्थों से यथावत उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी कराते हैं, वे ही मनुष्य पवित्र और सुखी होते हैं। यह नवा वर्ग समाप्त हुआ। ईश्वर ने जीव क्या करके पूर्वोक्त उपयोग के ग्रहण करने को समर्थ होते हैं इस विषय में अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ ईश्वर जीव के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्य, तू जब तक विद्या में वृद्ध होकर अच्छी प्रकार परोपकार न करेगा तब तक तुझको मनुष्यपन और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी न होगी। इससे तू परोपकार करने वाला सदा हो। उक्त काम के आचरण करने वाले जीव को आशीर्वाद कौन देता है इस बात का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ ईश्वर ऐसे मनुष्यों को आशीर्वाद देता है जो मनुष्य विद्वान परोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके इन सब पदार्थों से उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वही सदा सुख को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। ईश्वर ने उक्त अर्थ के ही प्रकाश करने वाले इंद्र शब्द का अगले मंत्र में भी प्रकाश किया है। भावार्थ जो विश्व में पृथ्वी सूर्य आदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रचे हुए पदार्थ हैं, वे सब जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जानते हैं कि जिससे न्याय और उपकार आदि ईश्वर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान भी वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हों। वह जगदीश्वर हमारे लिए क्या करे सो अगले मंत्र में वर्णन किया है। भावार्थ जिसकी सत्ता में संसार के पदार्थ बलवान होकर अपने अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, उन सब के सब आदि गुणों से उपकार लेकर विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ करें तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। किसकी रक्षा से पुरुषार्थ सिद्ध होता है इस विषय का प्रकाश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है। भावार्थ कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा न करे किंतु परस्पर सब मित्र भाव से वर्तें, क्योंकि जैसे परमेश्वर बिना अपराध के किसी का तिरस्कार नहीं करता वैसे ही सब मनुष्यों को भी करना चाहिए। इस पंचम सूक्त की विद्या से मनुष्य को किस प्रकार पुरुषार्थ और सबका उपकार करना चाहिए इस विषय के कहने से चौथे सूक्त के अर्थ के साथ इसकी संगति जाननी चाहिए। यह पांचवां सूक्त और दसवां वर्ग समाप्त हुआ। छठे सूक्त के प्रथम मंत्र में यथा योग्य कार्यों में किस प्रकार से
किन-किन पदार्थों को संयुक्त करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, जो लोग विद्या संपादन में निरंतर उद्योग करने वाले होते हैं वे ही सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्वान को उचित है कि पृथ्वी आदि पदार्थों से उपयोग लेकर सब प्राणियों को लाभ पहुंचावे कि जिससे उनको भी संपूर्ण सुख मिले। उक्त सूर्य और अग्नि आदि के कैसे गुण हैं और वे कहां कहां उपयुक्त करने योग्य हैं सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्य लोग जब तक भू जल आदि पदार्थों के गुण ज्ञान और उनके उपकार से भू जल और आकाश में जाने आने के लिए अच्छी सवारियों को नहीं बनाते तब तक उनको उत्तम राज्य और धन आदि उत्तम सुख नहीं मिलते। जिसने संसार के सब पदार्थ उत्पन्न किए वह कैसा है यह बात अगले मंत्र में प्रकाशित की है। भावार्थ, मनुष्यों के प्रति रात्र के चौथे प्रहर में आलस्य छोड़कर फूर्ति से उठकर अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्न वाले होकर तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करना चाहिए। अगले मंत्र में वायु के कर्मों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो जल सूर्य व अग्नि के संयोग से छोटा छोटा हो जाता है उसको धारण कर और मेघ के आकार का बना के वायु ही उसे फिर वर्षाता है उसी से सबका पालन और सबको सुख होता है। उन पवनों के साथ सूर्य क्या करता है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे बलवान पवन अपने वेग से भारी भारी वृक्षों को तोड़ फोड़ डालते और उनको ऊपर नीचे गिराते हैं वैसे ही सूर्य भी अपनी किरणों से उनका छेदन करता है इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के नियम से सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं। यह 11वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर वे पवन कैसे हैं सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों का ज्ञान सबका उपकार और विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए जिससे सब व्यवहार सिद्ध हों। उक्त पदार्थ किसके सहाय से कार्य के सिद्ध करने वाले होते हैं सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, ईश्वर ने जो अपनी व्याप्ति और सत्ता से सूर्य और वायु आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं इन सब पदार्थों के बीच में सूर्य और वायु ये दोनों मुख्य हैं क्योंकि इन्हीं के धारण आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इनको विद्या और उपकार लेने के लिए युक्त करें। पूर्वोक्त व्यवहार किस प्रकार से नित्य वर्तमान है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो शुद्ध अत्युत्तम होम के योग्य पदार्थों के अग्नि में किए हुए होम से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है वह वायु और सूर्य की किरणों की शुद्धि के द्वारा रोग नाश करने हेतु से सब जीवों को सुख देकर बलवान करता है। अगले मंत्र में गमन स्वभाव वाले पवन का प्रकाश किया है। भावार्थ, यह बलवान वायु अपने गमन आगमन गुण से पदार्थों के गमन आगमन धारण तथा शब्दों के उच्चारण और श्रवण का हेतु है। अगले मंत्र में सूर्य के कर्म का उपदेश किया है। भावार्थ, सूर्य की किरणें पृथ्वी में स्थित हुए जलादि पदार्थों को भिन्न भिन्न करके बहुत छोटे छोटे कर देती हैं इसी से वे पदार्थ पवन के साथ ऊपर को चढ़ जाते हैं क्योंकि वह सूर्य सब लोकों से बड़ा है। सूर्य और पवन से जैसे पुरुषार्थ की सिद्ध करनी चाहिए तथा वे लोक जगत में किस प्रकार से वर्तते रहते हैं और कैसे उनसे उपकार की सिद्धि होती है इन प्रयोजनों से पांच सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह छठा सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7वें सूक्त का आरंभ है। इसमें प्रथम मंत्र के द्वारा इंद्र शब्द से तीन अर्थों का प्रकाश किया है। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है
कि मनुष्यों को वेद मंत्रों के विचार से परमेश्वर सूर्य और वायु आदि पदार्थों के गुणों को अच्छी प्रकार जानकर सबके सुख के लिए उनसे प्रयत्न के साथ उपकार लेना चाहिए। पूर्व मंत्र में इंद्र से कहे हुए तीन अर्थों में से वायु और सूर्य का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे वायु के संयोग से वचन श्रवण आदि व्यवहार तथा सब पदार्थों के गमन आगमन धारण और स्पर्श होते हैं, वैसे ही सूर्य के योग से पदार्थों के प्रकाश और छेदन भी होते हैं। इसके अनंतर किसने किस लिए सूर्यलोक बनाया है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, रचने की इच्छा करने वाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन धारण और आकर्षण आदि प्रयोजनों के लिए प्रकाश रूप सूर्य लोक को सब लोकों के बीच में स्थापित किया है। इसी प्रकार यह हर एक ब्रह्मांड का नियम है कि वह क्षण क्षण में जल को ऊपर खींचकर पवन के द्वारा ऊपर स्थापन करके बार बार संसार में वर्षाता है। इसी से यह वर्षा का कारण है। इंद्र शब्द के व्यवहार को दिखलाकर अब प्रार्थना रूप से अगले मंत्र में परमेश्वरार्थ का प्रकाश किया है। भावार्थ, परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करने वाले धर्मात्मा पुरुषों पर अपनी कृपा करता है और आलसियों पर नहीं। इसी से जो मनुष्य जितेंद्रिय विद्वान पक्षपात को छोड़ने वाले शरीर और आत्मा के बल से अत्यंत पुरुषार्थी तथा आलस्य को छोड़े हुए धर्म से बड़े बड़े युद्धों को जीत के प्रजा का निरंतर पालन करते हैं, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होके सुखी रहते हैं। फिर भी उक्त अर्थ और सूर्य तथा वायु के गुणों का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है, जो बड़े बड़े भारी और छोटे छोटे संग्रामों में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा करने वाला मान के धर्म और उत्साह के साथ दुष्टों से युद्ध करें तो मनुष्यों का अचल विजय होता है, तथा जैसे ईश्वर भी सूर्य और पवन के निमित्त से वर्षा आदि के द्वारा संसार का अत्यंत सुख सिद्ध किया करता है, वैसे मनुष्य लोगों को भी पदार्थों का निमित्त करके कार्य सिद्ध करनी चाहिए। यह 13वां वर्ग समाप्त हुआ। मनुष्यों को परमेश्वर की प्रार्थना किस प्रयोजन के लिए करनी चाहिए वा सूर्य किसका निमित्त है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा में से अविद्या रूपी अंधकार का नाश अंतर्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। फिर भी अगले मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर का प्रकाश किया है। भावार्थ, ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के सुख के लिए इन पदार्थों में अपनी शक्ति से जितने दृष्टांत वा उनमें जिस प्रकार की रचना और अलग अलग उनके गुण उनसे उपकार लेने के लिए रखे हैं, उन सबके जानने को मैं अल्प बुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नहीं हो सकता, और न कोई मनुष्य ईश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योंकि जगदीश्वर अनंत गुण और अनंत सामर्थ्य वाला है, परंतु मनुष्य उन पदार्थों से जितना उपकार लेने में समर्थ हो उतना सब प्रकार से लेना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य को कैसे प्राप्त होता है सो अर्थ अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और श्लेषालंकार है। मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाले होते हैं, और धर्मात्मा ज्ञान वाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है। तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है, वह अपने सामने अर्थात समीप के लोकों को चुंबक पत्थर और लोहे के समान खींचने को समर्थ रहता है। सब प्रकार से सबका सहायकारी परमेश्वर ही है, इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, जो सबका स्वामी अंतर्यामी व्यापक और सब ऐश्वर्य देने वाला, जिसमें कोई दूसरा और जिसकी किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं है, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है,
वह भाग्यहीन बड़े-बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है। उक्त परमेश्वर सर्वोपरि विराजमान है, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है। हे मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर वा उसके अवतार मानता है वह सबसे बड़ा मूढ़ है। इस सप्तम सुक्त में जिस ईश्वर ने अपनी रचना के सिद्ध रहने के लिए अंतरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किए हैं वही एक सर्वशक्तिमान सर्वदोष रहित और सब मनुष्यों का पूज्य है। इस व्याख्यान से इस सप्तम सुक्त के अर्थ के साथ छठे सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह दूसरा अनुवाक सातवां सुक्त और चौदहवां वर्ग तृतीयो अनुवाकः। अब अष्टम सुक्त के प्रथम मंत्र में यह उपदेश है कि ईश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से कैसा धन प्राप्त करना चाहिए। भावार्थ, सब मनुष्यों को सर्वशक्तिमान अंतर्यामी ईश्वर का आश्रय लेकर अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ चक्रवर्ती राज्य के आनंद को बढ़ाने वाली विद्या की उन्नति, सुवर्ण आदि धन और सेना आदि बल सब प्रकार से रखना चाहिए, जिससे अपने आप को और सब प्राणियों को सुख हो। कैसे धन से परम सुख होता है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, ईश्वर के सेवक मनुष्यों को उचित है कि अपने शरीर और बुद्धि बल को बहुत बढ़ावें, जिससे श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का अपमान सदा होता रहे और जिससे शत्रुजन उनके मुष्टि प्रहार को न सह सकें, इधर उधर छिपते भागते फिरें। मनुष्य किसको धारण करने से शत्रुओं को जीत सकते हैं सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, मनुष्य को उचित है कि धर्म और ईश्वर के आश्रय से शरीर की पुष्टि और विद्या के द्वारा आत्मा का बल तथा युद्ध की पूर्ण सामग्री, परस्पर अविरोध और उत्साह आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने से अपने और सब प्राणियों के लिए सुख सदा बढ़ाते रहें। किस किस के सहाय से उक्त सुख सिद्ध होता है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, शूरता दो प्रकार की होती है, एक तो शरीर की पुष्टि और दूसरी विद्या तथा धर्म से संयुक्त आत्मा की पुष्टि। इन दोनों से परमेश्वर की रचना के क्रमों को जानकर न्याय, धीरज, उत्तम स्वभाव और उद्योग आदि से उत्तम उत्तम गुणों से युक्त होकर सभा प्रबंध के साथ राज्य का पालन और दुष्ट शत्रुओं का निरोध अर्थात उनको सदा कायर करना चाहिए। उक्त कार्य सहाय करणहारा जगदीश्वर किस प्रकार का है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। धार्मिक युद्ध करने वाले मनुष्यों को उचित है कि जो शूरवीर युद्ध में अति धीर मनुष्यों के साथ होकर दुष्ट शत्रुओं पर अपना विजय हुआ है उसका धन्यवाद अनंत शक्तिमान जगदीश्वर को देना चाहिए कि जिससे निराभिमान होकर मनुष्यों के राज्य की सदैव बढ़ती होती रहे। यह 15वां वर्ग समाप्त हुआ। मनुष्यों को कैसे होकर युद्ध करना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि इस संसार में मनुष्यों को दो प्रकार का काम करना चाहिए। इनमें से जो विद्वान हैं वे अपने शरीर और सेना का बल बढ़ाते और दूसरे उत्तम विद्या की वृद्धि करके शत्रुओं के बल का सदैव तिरस्कार करते रहें। मनुष्यों को जब जब शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा हो तब तब सावधान होके प्रथम उनकी सेना आदि पदार्थों से कम अपना दुगुना बल करके उनके पराजय से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए तथा जो विद्याओं के पढ़ाने की इच्छा करने वाले हैं वे शिक्षा देने योग्य पुत्र वा कन्याओं को यथा योग्य विद्वान करने में अच्छे प्रकार यत्न करें, जिससे शत्रुओं के पराजय और अज्ञान के विनाश से चक्रवर्ती राज्य और विद्या की वृद्धि सदैव बनी रहे।
अगले मंत्र में इंद्र शब्द से सूर्य लोक के गुणों का व्याख्यान किया है। भावार्थ, इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। ईश्वर ने जैसे जल की स्थिति और वृष्टि का हेतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण बनाया है, जैसे ही सूर्य लोक वर्षा होने, पृथ्वी के खींचने, प्रकाश और रस विभाग करने का हेतु बनाया है, इसी से सब प्राणियों के अनेक व्यवहार सिद्ध हैं। उक्त अर्थों के निमित्त और कार्य का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विविध प्रकार से फल फूलों से युक्त आम और कटहर आदि वृक्ष नाना प्रकार के फलों के देने वाले होके सुख देने वाले होते हैं, वैसे ही ईश्वर से प्रकाश की हुई वेदवाणी बहुत प्रकार की विद्याओं को देने वाली होकर सब मनुष्यों को परम आनंद देने वाली है। जो विद्वान लोग इसको पढ़ के धर्मात्मा होते हैं, वे ही वेदों का प्रकाश और पृथ्वी में राज्य करने को समर्थ होते हैं। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनको क्या सिद्ध होता है, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। ईश्वर की आज्ञा का प्रकाश इस रीति से किया गया है कि जब मनुष्य पुरुषार्थी होके सबका उपकार करने वाले और धार्मिक होते हैं, तभी वे पूर्ण ऐश्वर्य और ईश्वर की यथा योग्य रक्षा आदि को प्राप्त होके सर्वत्र सत्कार के योग्य होते हैं। उक्त सब प्रशंसा किसकी है, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, जैसे इस संसार में अच्छे अच्छे पदार्थों की रचना विशेष देखकर उस रचने वाले की प्रशंसा होती है, वैसे ही संसार के प्रसिद्ध अत्युत्तम पदार्थों तथा विशेष रचना को देखकर ईश्वर ही को धन्यवाद दिए जाते हैं। इस कारण से परमेश्वर की स्तुति के समान वा उससे अधिक किसी की स्तुति नहीं हो सकती। इस प्रकार जो मनुष्य ईश्वर की उपासना और वेदोक्त कर्मों के करने वाले हैं, वे ईश्वर के आश्रित होके वेद विद्या से आत्मा के सुख और उत्तम क्रियाओं से शरीर के सुख को प्राप्त होते हैं। वे परमेश्वर की ही प्रशंसा करते रहें। इस अभिप्राय से इस आठवें सूक्त के अर्थ की पूर्वोक्त सातवें सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह आठवां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ। अब नवम सूक्त के आरंभ के मंत्र शब्द से परमेश्वर और सूर्य का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर इस संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त होकर सबकी रक्षा निरंतर करता है, वैसे ही सूर्य भी सब लोकों से बड़ा होने से अपने सम्मुख हुए पदार्थों को आकर्षण व प्रकाश करके अच्छे प्रकार स्थापन करता है। शिल्प विद्या के उत्तम साधन जल और अग्नि का वर्णन अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों को उचित है कि इस संसार में पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों के विशेष ज्ञान उत्तम शिल्प विद्या से सब मनुष्यों को उत्तम उत्तम क्रिया सिखाकर सब सुखों का प्रकाश करना चाहिए। अगले मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर का प्रकाश किया है। भावार्थ, जिसने संसार के प्रकाश करने वाले सूर्य को उत्पन्न किया है, उसकी स्तुति करने में जो श्रेष्ठ पुरुष एकाग्रचित्त है अथवा सबको देखने वाले परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से धार्मिक और पुरुषार्थी होकर सब ऐश्वर्य को उत्पन्न और उसकी रक्षा करने में मिलकर रहते हैं, वे ही सब सुखों को प्राप्त होने के योग्य व औरों को भी उत्तम उत्तम सुखों को देने वाले हो सकते हैं। भावार्थ, जिस ईश्वर ने प्रकाश किए हुए वेदों से जाने अपने अपने स्वभाव गुण और कर्म प्रकट किए हैं, वैसे ही वे सब लोगों को जानने योग्य हैं, क्योंकि ईश्वर के सत्य स्वभाव के साथ अनंत गुण और कर्म हैं। उनको हम अल्पज्ञ लोग अपने सामर्थ्य से जानने को समर्थ नहीं हो सकते, तथा जैसे हम लोग अपने अपने स्वभाव गुण और कर्मों को जानते हैं, वैसे औरों को उनका यथावत जानना कठिन है। इसी प्रकार सब विद्वान मनुष्यों को वेदवाणी के बिना ईश्वर आदि पदार्थों को यथावत जानना कठिन होता है।
इसलिए प्रयत्न से वेदों को जान के उनके द्वारा सब पदार्थों से उपकार लेना तथा उसी ईश्वर को अपना इष्ट देव और पालन करनहारा मानना चाहिए। ईश्वर की उपासना से क्या लाभ होता है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को ईश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से आत्मा और शरीर के सुख के लिए विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति व उनकी रक्षा और उन्नति तथा सत्य मार्ग व उत्तम दानादि धर्म अच्छी प्रकार से सदैव सेवन करना चाहिए, जिससे दारिद्र्य और आलस्य से उत्पन्न होने वाले दुखों का नाश होकर अच्छे अच्छे भोग करने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती रहे। यह 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अंतर्यामी ईश्वर हम लोगों को कैसे कैसे कामों में प्रेरणा करे, इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि इस सृष्टि में परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तमान तथा पुरुषार्थी और यशस्वी होकर विद्या तथा राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सदैव उपाय करें। इसी से उक्त गुण वाले पुरुषों को ही लक्ष्मी से सब प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषार्थी सज्जनों के लिए ही सब सुख रचे हैं। फिर भी उक्त धन कैसा है, इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का धारण, विषयों की लंपटता का त्याग, भोजन आदि व्यवहारों के श्रेष्ठ नियमों से विद्या और चक्रवर्ती राज्य की लक्ष्मी को सिद्ध करके संपूर्ण आयु भोगने के लिए पूर्वोक्त धन के जोड़ने की इच्छा अपने पुरुषार्थ द्वारा करे, कि जिससे इस संसार का व परमार्थ का दृढ़ और विशाल अर्थात अति श्रेष्ठ सुख सदैव बना रहे। परंतु यह उक्त सुख केवल ईश्वर की प्रार्थना से ही नहीं मिल सकता, किंतु उसकी प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना भी अवश्य उचित है। भावार्थ, हे जगदीश्वर, आप कृपा करके जो अत्यंत पुरुषार्थ के साथ जिस धन के द्वारा बहुत से सुखों को सिद्ध करने वाली सेना प्राप्त होती है, उसको हम लोगों में नित्य स्थापन कीजिए। फिर भी यह इंद्र कैसा है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि जो ऐश्वर्य के निमित्त संसार का स्वामी सर्वत्र व्यापक इंद्र परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना और ईश्वर के न्याय आदि गुणों की प्रशंसा पुरुषार्थ के साथ सब प्रकार से अतिश्रेष्ठ विद्या है, राज्य लक्ष्मी आदि पदार्थों को प्राप्त होकर उनकी उन्नति और रक्षा सदा करें। किस प्रयोजन के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, जब शत्रु मनुष्य भी सब में व्यापक मंगलमय उपमा रहित परमेश्वर के प्रति नम्र होता है, तो जो ईश्वर की आज्ञा और उसकी उपासना में वर्तमान मनुष्य हैं, वे ईश्वर के लिए नम्र क्यों न हों? जो ऐसे हैं वे ही बड़े बड़े गुणों से महात्मा होकर सबसे सत्कार किए जाने के योग्य होते और वे ही विद्या और चक्रवर्ती राज्य के आनंद को प्राप्त होते हैं। जो उनसे विपरीत हैं वे उस आनंद को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। इस सूक्त में इंद्र शब्द के वर्णन उत्तम उत्तम धन आदि की प्राप्ति के अर्थ ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ करने की आज्ञा के प्रतिपादन करने से इस 9वें सूक्त के अर्थ की संगति 8वें सूक्त के साथ मिलती है, ऐसा समझना चाहिए। यह 9वां सूक्त और 8वां वर्ग पूरा हुआ। अब 10वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इस सूक्त में प्रथम मंत्र में इस बात का प्रकाश किया है कि कौन कौन पुरुष किस किस प्रकार से इंद्र संज्ञक परमेश्वर का पूजन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे सब मनुष्यों को ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए अर्थात उसकी आज्ञा के अनुकूल वेद विद्या को पढ़कर अच्छे अच्छे गुणों के साथ
अपने और अन्यों के वंश को भी पुरुषार्थी करते हैं, वैसे ही अपने आप को भी होना चाहिए। और जो परमेश्वर के सिवाय दूसरे का पूजन करने वाला पुरुष है, वह कभी उत्तम फल को प्राप्त होने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि न तो ईश्वर की ऐसी आज्ञा ही है और न ईश्वर के समान कोई दूसरा पदार्थ है कि जिसका उसके स्थान में पूजन किया जावे। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर का ही गान और पूजन करें। फिर भी ईश्वर को कैसे जाने, सो अगले मंत्र में प्रकाश किए हैं। भावार्थ, इस मंत्र में भी इव शब्द की अनुवृत्ति से उपमा अलंकार समझना चाहिए। जैसे सूर्य अपने सम्मुख के पदार्थों को वायु के साथ बारंबार क्रम से अच्छी प्रकार आक्रमण, आकर्षण और प्रकाश करके सब पृथ्वी लोक को घुमाता है, वैसे ही जो मनुष्य विद्या से करने योग्य अनेक कर्मों को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है, वही अनेक क्रियाओं से सब कार्यों के करने को समर्थ हो सकता तथा ईश्वर की सृष्टि में अनेक सुखों को प्राप्त होता। और उसी मनुष्य को ईश्वर भी अपनी कृपा दृष्टि से देखता है, आलसी को नहीं। अगले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर और सूर्य लोक का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को सब विद्या पढ़ने के पीछे उत्तम क्रियाओं की कुशलता में प्रवृत्त होना चाहिए। जैसे सूर्य का उत्तम प्रकाश संसार में वर्तमान है, वैसे ही ईश्वर के गुण और विद्या के प्रकाश का सब में उपयोग करना चाहिए। मनुष्यों को परमेश्वर से क्या क्या मांगना चाहिए, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जो पुरुष वेद विद्या वा सत्य के संयोग से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं, उनके हृदय में ईश्वर अंतर्यामी रूप से वेद मंत्रों के अर्थों को यथावत प्रकाश करके निरंतर उनके लिए सुख का प्रकाश करता है। इससे उन पुरुषों में विद्या और पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं होते। फिर भी ईश्वर किस प्रकार का है, इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। इस संसार में जो जो शोभा युक्त रचना, प्रशंसा और धन्यवाद हैं, वे सब परमेश्वर ही की अनंत शक्ति का प्रकाश करते हैं, क्योंकि जैसे सिद्ध किए हुए पदार्थों में प्रशंसा युक्त रचना के अनेक गुण उन पदार्थों के रचने वाले की ही प्रशंसा के हेतु हैं, वैसे ही परमेश्वर की प्रशंसा जानने व प्रार्थना के लिए हैं। इस कारण जो जो पदार्थ हम ईश्वर से प्रार्थना के साथ चाहते हैं, सो सो हमारे अत्यंत पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, केवल प्रार्थना मात्र से नहीं। किस किस पदार्थ की प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि सब सुख और शुभ गुणों की प्राप्ति के लिए परमेश्वर ही की प्रार्थना करें, क्योंकि वह अद्वितीय, सर्वमित्र, परम ऐश्वर्य वाला, अनंत शक्तिमान ही उक्त पदार्थों को देने में समर्थ है। यह 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अगले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर और सूर्य लोक का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और लुप्तोपमा अलंकार है। हे परमेश्वर, जैसे आपने सूर्यादि जगत को उत्पन्न करके अपना यश और संसार का सब सुख प्रसिद्ध किया है, वैसे ही आपकी कृपा से हम लोग भी अपने मन आदि इंद्रियों को शुद्ध के साथ विद्या और धर्म के प्रकाश से युक्त तथा सुखपूर्वक सिद्ध और अपनी कीर्ति, विद्या, धन और चक्रवर्ती राज्य का प्रकाश करके सब मनुष्यों को निरंतर आनंदित और कीर्तिमान करें। फिर अगले मंत्र में ईश्वर का प्रकाश किया है। भावार्थ, जब कोई पूछे कि ईश्वर कितना बड़ा है, तो उसका उत्तर यह है कि जिसको सब आकाश आदि बड़े बड़े पदार्थ भी घेरे में नहीं ला सकते, क्योंकि वह अनंत है। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि उसी परमात्मा का सेवन, उत्तम उत्तम कर्म करने और श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति के लिए उसी की प्रार्थना करते रहें। जब जिसके गुण और कर्म की गणना
कोई नहीं कर सकता, तो कोई उसके अंत पाने को समर्थ कैसे हो सकता है? भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को उचित है कि जो सर्वज्ञ जीवों के किए हुए वाणी के व्यवहारों का यथावत श्रवण करने वाला सर्वाधार अंतर्यामी जीव और अंतःकरण की यथावत शुद्धि का हेतु तथा सबका मित्र ईश्वर है, वही एक जानने वा प्रार्थना करने योग्य है। फिर भी मनुष्य परमेश्वर को कैसा जाने, इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को सब कर्मों की सिद्धि देने और युद्ध में शत्रुओं के विजय के हेतु परमेश्वर ही देने वाला है, जिसने इस संसार में सब प्राणियों के सुख के लिए असंख्यात पदार्थ उत्पन्न वा रक्षित किए हैं। उस परमेश्वर वा उसकी आज्ञा का आश्रय करके सर्वथा उपाय के साथ अपना वा सब मनुष्यों का सब प्रकार से सुख सिद्ध करना चाहिए। फिर परमेश्वर कैसा और मनुष्यों के लिए क्या करता है, इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य अपने प्रेम से विद्या का उपदेश करने वाला होकर अर्थात जीवों के लिए सब विद्याओं का प्रकाश सर्वदा शुद्ध परमेश्वर की स्तुति के साथ आश्रय करते हैं, वे सुख और विद्या युक्त पूर्ण आयु तथा ऋषि भाव को प्राप्त होकर सब विद्या चाहने वाले मनुष्यों को प्रेम के साथ उत्तम उत्तम विद्या से विद्वान करते हैं।